चलिए बात करते हैं टेरा लूना क्लासिक की और चेरीज की। टेरा क्लासिक की बात करूं तो आप सभी को याद होगा कि इसमें कैसे डॉलर डीपेक होने के बाद इसका नेटिव टोकन लूना और स्टेबल कॉइन यूएसडी 99% क्रैश हो गया था और लूना का प्राइस $100 से नीचे करीब करीब $0 के आसपास जो है वो पहुंच गया था। और वही समय था कि इसका एक सेपरेट चेन बनाया गया था और पुराने ब्लॉकचेन का नाम टेरा क्लासिक रख दिया गया और स्टेबल कॉइन का नाम टेरा क्लासिक यूएसडी रख दिया गया। लेकिन इसकी कम्युनिटी जो पुराने ब्लॉकचेन है टेरा क्लासिक की कम्युनिटी आज भी बहुत जो कि लगातार कॉइन्स बर्न कर रही है ताकि इसका प्राइस बढ़े। लेकिन कल से आप देखेंगे तो इसके प्राइस में मतलब टेरा क्लासिक की प्राइस में और जो इसका स्टेबल कॉइन है पुराना टेरा क्लासिक यूएसडी जिसको हम डिनोट करते हैं यूएसटीसी के, इसमें काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। और उसका कारण ये है कि कम्युनिटी के कुछ लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। कम्युनिटी के कुछ लोगों को ये लग रहा है कि टेरा लूना के क्रैश में हुए नुकसान की भरपाई अब हो सकती है। और ये उम्मीद कब जागी? ये उम्मीद तब जागी जब एक डीफाई इंश्योरेंस फर्म जिसका नाम है इंश्योरेंस उसने अपने ब्लॉग में एक पोस्ट किया कि वो करीब $12 million स्पेंड कर रही है, मतलब कंपेंसेट करेगी 155 इन्वेस्टर्स को। ये कौन से 155 इन्वेस्टर्स है? ये वो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अपना पैसा खोया है या जिनको मतलब नुकसान हुआ था टेरा के क्रैश के टाइम पे। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है, जो फर्म है डिफाइन इंश्योरेंस फर्म इंश्योरेंस करके, उन्होंने ये कहा कि वो 155 इन्वेस्टर्स को $12 million जो है वो मतलब कंपेंसेट करेगी जो उनका नुकसान हुआ था। बट ये 155 इन्वेस्टर्स वो होंगे जिन्होंने उनके साथ मतलब उनके थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अभी ये जो फॉर्म है इंश्योरेंस फॉर्म, इसका एक इनहाउस टोकन है इंश्योर करके, जो कि गवर्नेंस टोकन के हिसाब से भी काम करता है, जो कि इन्वेस्टर्स के पास भी है और स्टेकर्स के भी पास है। अब स्टेकर्स में कौन है? अंडरराइटर्स है। तो इन्होंने एक वोटिंग किया और ये वोट में उन्होंने देखा कि ये जो 155 लोग है 155 इन्वेस्टर्स है ये मतलब हकदार है, ये मतलब एलिजिबल है कि इनको मतलब कंपेंसेशन मिलना चाहिए इनके फॉर्म से, इंश्योरेंस के फॉर्म से। तो इन्होंने 155 जन का क्लेम जो है वो मतलब पास किया, लेकिन 18 जन का जो क्लेम है वो जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी कॉइन चेरीज की अपडेट की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों से इसमें काफी अच्छी खासी तेजी देखी गई है और 4 हफ्तों में इसने करीब 150% का रिटर्न दिया है और इसकी रैंकिंग जो है वो मतलब टॉप 40 में हो गई है। मतलब ये पहले 40 से बाहर की रैंकिंग थी बट 150% के रिटर्न के बाद ये अभी जो है वो टॉप 40 के मतलब रैंकिंग में आ गया है। तो अभी इसकी तेजी का रीजन क्या है? तो सबसे पहले हम सेंटीमेंट का ट्विटर अकाउंट देखेंगे जिसने एक ट्वीट किया है और उसने ये कहा है कि जो मतलब वेव्स की ट्रांजैक्शन है वो चेरीज में जो है वो काफी मतलब बढ़ गई है। मतलब जो बिग मनी आप बोल सकते हैं, स्मार्ट मनी कह सकते हैं, इनकी ट्रांजेक्शन इतनी बढ़ गई है पिछले 4 हफ्तों में आप देखेंगे तो इसका 150% प्राइस जो है इसके टोकन का मतलब बढ़ गया है। तो इन्होंने कहा है कि मतलब 105 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें देखा गया कि मतलब $1,00,000 के ऊपर चेरीज मतलब बाई किया गया है। चेरीज का जो नेटिव टोकन है CHZ वो मतलब बाई किया गया है और जो कि मतलब वेव्स के थ्रू हुआ है। सेकंड अपडेट बोलूं तो इसका कहूंगा तो एक पार्टनरशिप है, चेरीज की एक पार्टनरशिप हुई है, मेजर सॉकर टीम है मतलब फुटबॉल टीम है यूनाइटेड किंगडम की, उसके साथ इसका पार्टनरशिप हुआ है। तो जो आर्सेनल FC है, आर्सेनल फुटबॉल क्लब है, उसके साथ पार्टनरशिप के साथ साथ इनकी जो सोशल प्लेटफॉर्म है और चेरीज है, ये कई सारे मतलब कैंपेन्स कर रहे हैं और कई सारे प्रमोशंस कर रहे हैं जिससे इनकी जो फंडामेंटल वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो मतलब सभी लोगों को मालूम पड़े। और ये वो कैंपेन और एडवर्टाइजमेंट उसी हिसाब से कर रहे हैं जो मतलब वो बड़े बड़े नाम, मतलब जो भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जो बड़े बड़े नाम है उनके साथ टाई अप करके। तो जो आर्सेनल FC आर्सेनल फुटबॉल क्लब है उनके साथ जो इनका पार्टनरशिप हुआ है ये एक कदम उसी तरफ था कि जिससे मतलब वो अपना कैंपेन कर सके। सो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट्स टेरा क्लासिक और चेरीज को लेकर के, जिस कारण ये दो कॉइन्स ट्रेंडिंग कर रहे हैं और कम्युनिटी के बीच इसमें काफी अच्छी खासी चर्चा है। लेकिन आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।